हेलो एवरीवन सीएसटी पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज से हम स्टार्ट रहे हैं एमसीक्यू सीरीज 2024 फॉर पीजीटी कॉमर्स चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज क्वेश्चन नंबर वन कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है और फाइंड आउट करना है परचेज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि कोक्स क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कोर्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी ओके okay? यानी कि यहाँ पे सेल्स वाला पोर्शन ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक चीज हमें ध्यान रखना है तो आपको अगर फॉर्मूला ध्यान है तो आप किस तरह से कर सकते हो अगर आपको परचेज निकालनी है तो यहाँ परचेज का फार्मूला क्या हो जाएगा अगर ट्रेडिंग अकाउंट से आप निकाल के लाओगे वो हो जाएगा आपका कोक्स क्योंकि सेल्स वाला पोर्शन ज्यादा होगा देन आफ्टर दैट जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो इसमें क्या हो जाएगा एड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक और जो भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड के आइटम है वो सारे अगर गिवन होंगे तो वो क्या हो जाएंगे माइनस माइनस ऑल ट्रेडिंग अकाउंट एक्सपेंसेस यानी कि आपको गिवन है वेजेस आपको गिवन है कुछ भी ट्रेडिंग का वो आप इसमें से क्या कर देंगे माइनस ठीक है पावर कुछ भी जो भी ट्रेडिंग में आइटम आता है अगर वो भी गिवन होता तो उसे भी क्या कर देते माइनस तो हम यहां पे देखेंगे कॉक्स कितना है वन लैख सिक्सटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड देन आफ्टर दैट ओपनिंग स्टॉक है इलेवन सिक्स हंड्रेड तो ये इसमें ओपनिंग स्टॉक क्या करना है माइनस और क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है प्लस डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से हम देख रहे हैं प्लस का ट्वेल्व थाउजेंड और माइनस का इलेवन सिक्स हंड्रेड यानी कि डिफरेंस क्या आ गया प्लस का फोर हंड्रेड प्लस का फोर हंड्रेड इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा वन लैख सिक्सटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्लियर तो फटाफट निकालना है बिना टाइम वेस्ट किए नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू राजू जगबीर एंड देवेंदर आर पार्टनर वो किस रेशो में पार्टनर है सेवन रेशो फाइव रेशो फोर देवेंदर रिटायर हो रहा है देविंदर इट मीन लास्ट वाला पर्सन रिटायर हो रहा है जिसका शेयर कितना है फोर इट वॉज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द थ्री ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइव ईयर लास्ट फाइव ईयर के आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है और थ्री ईयर परचेज पे आपको क्या निकालना है गुडविल आपको क्या निकालना है देविंदर का गुडविल में शेयर ठीक है तो गुडविल कैसे निकालते हैं गुडविल इज इक्वल टू पे एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज ऑफ परचेस इस सिचुएशन में और क्योंकि आपको सिर्फ दिवेंदर का शेयर निकालना है इनटू टू शेयर एवरेज प्रॉफिट की बात करें इनको सबको एडअप करेंगे पांचों सालों के प्रॉफिट को एड करने के बाद आपका आ जाएगा टू लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड एवरेज निकालने के लिए फाइव से क्या कर देंगे डिवाइड नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने की वन है थ्री देवेंद्र का शेयर कितना है फोर बायसटीन फोर बायसटीन इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद यू विल गेट फोर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड इसको कट कर दो अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको कट करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा फोर्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड चाहो तो पहले फाइव से कट कर दो इजीली कट हो जाएगा फिर फोर से कर दो इंटू थ्री कर दो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है डू दैट हमारा क्या आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्लियर नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री फरजाना स्टार्टेड अ फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड और क्या कैपिटल थी कैपिटल है फरजाना की नाइंटी थाउजेंड उसने ट्वेंटी एट थाउजेंड पर्सनल यूज़ के लिए यानी कि ये उसकी ड्राइंग्स है अगर हम ड्राइंग्स उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राॅइंग है रिस्पेक्टिवली और प्रॉफिट उसका थर्टी थाउजेंड है आपको निकालना है कैपिटल एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यानी कि क्या निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल आपको पता है भाई क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस जितनी भी इनकम होती है उन्हें प्लस कर देते हैं ठीक है जो भी इनकम है माइनस एक्सपेंसेस माइनस ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारे माइंड में रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है बट ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा तो डायरेक्टली यहीं प्लस माइनस कर देंगे ये ओपनिंग कैपिटल है ये पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया इसे माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है प्लस हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राॅइंग आपका एक्सपेंसिस है ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और यहां पे इनको सोल्व करोगे 90,000 थाउजेंड माइनस ट्वेंटी एट माइनस फोर सॉरी प्लस फोर माइनस टेन थाउजेंड और प्लस थर्टी थाउजेंड यू विल गेट 86,000 थाउजेंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्लियर आई होप आपको समझ आ रहा हो मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो वीडियो बहुत लंबा नहीं रखूंगी फिर शुरू की कुछ वीडियो बहुत छोटी छोटी ही रखूंगी क्वेश्चन नंबर फोर शेखर ड्रॉ बिल ऑन विजय ऑन जून फिफ्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री मंथ द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ चार्ज ऑफ टू हंड्रेड बिल बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया और बैंक ने अपने दो सौ रुपए कम कर दिए बिल जो है डिसऑनर्ड हो गया मेच्योरिटी पे अब इन द बुक्स ऑफ शेखर शेखर की बुक में अगर बिल डिसोनर हो गया तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बैंक अकाउंट किस अमाउंट से क्रेडिट होगा क्योंकि एंट्री क्या करेगा भाई शेखर ड्रॉ कर रहा है विजय पे तो ये क्या है शेखर है ड्रॉअर ठीक है और ये क्या है ड्रोई अब इसने बिल डिस्काउंटेड करा लिया तो डिसोनर पे क्योंकि भी डिसोनर हो गया तो अब इसे क्या करना पड़ेगा विजय से लेना पड़ेगा और बैंक को देना पड़ेगा तो ये क्या करेगा विजय को डेबिट करेगा और बैंक को क्या करेगा क्रेडिट करेगा तो यही क्वेश्चन पूछा है कि डिस ओनर पे द बैंक इज क्रेडिटेड बाय बैंक कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा तो उसको चाहे दो सौ रुपये काट के मिला था लेकिन उसे बैंक को पूरा पैसा ही देना है इसलिए किससे एंट्री आएगी एंट्री आएगी पूरे के पूरे फोर्टी

x का कैपिटल है 60, y का 30. बिफोर एडजस्टिंग रीवेलुएशन लॉस जो 14,000 उनका रीवैल्युएशन लॉस है एंड जनरल रिजर्व कितना है 24,000. ठीक है और उन्होंने जेड को एडमिट किया है वन फिफ्थ ईयर पे और जेड विल बिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट हिज कैपिटल देखिए कैलकुलेट जो कैलकुलेट करते हैं कैपिटल दो तरीके होते हैं दो मेथड होते हैं कैपिटल कैलकुलेट करने के फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर के बेस पे जो ओल्ड पार्टनर हैं वो कैपिटल एडजस्ट करते हैं और पूरी फर्म की जो टोटल कैपिटल होती है वो पूरी फर्म की टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल डिवाइडेड बाई न्यू पार्टनर शेयर न्यू पार्टनर शेयर और फिर जो भी उनका न्यू रेशो बनता है उस कैपिटल को उसमें डिवाइड कर दिया जाता है जो ये कैपिटल आती है कि इसमें डिवाइड कर देते हैं उसे न्यू रेशो में और दूसरा तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर ओल्ड पार्टनर की जो सारी चीजें एडजस्ट करके रिवेल्युएशन लॉस एडजस्ट करने के बाद बाकी जो भी चीजें कुछ रिजर्व कुछ सरप्लस एडजस्ट करने के बाद जो भी कैपिटल बनती है उसके बेस पे कैलकुलेशन की जाती है टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स फ्टर ऑल एडजस्टमेंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जितनी भी एडजस्टमेंट थी चाहे लॉस की हो चाहे किसी भी चीज की हो वो सब करने के बाद जो भी ओल्ड पार्टनर थे उनकी कैपिटल का टोटल डिवाइडेड बाय रिमेनिंग शेयर डिवाइडेड बाय रिमेनिंग शेयर ठीक है और फिर जो न्यू पार्टनर का जो शेयर होता है वो इसके बेस पर कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है अब देखिए और यू कैन से इसको न्यू रेशो में डिवाइड कर लेते हैं और न्यू पार्टनर का शेयर निकालना हो तो उसका रेशो इसमें कैलकुलेट कर लो अब हमारी सिचुएशन में जो न्यू पार्टनर आया है वो कितने शेयर के लिए आया है वन फिफ्थ टोटल शेयर कितना होता है वन न्यू पार्टनर का शेयर है वन फिफ्थ यानी कि रिमेनिंग शेयर क्या हो गया रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू वन माइनस वन फिफ्थ फोर फिफ्थ ये तो हो गया रिमेनिंग की बात अब ओल्ड पार्टनर की क्या बात करेंगे कैपिटल की तो ओल्ड पार्टनर दो हैं, एक है एक्स और एक है वाई स्टार्टिंग की कैपिटल इसकी सिक्सटी थाउजेंड इसकी थर्टी थाउजेंड रीवेल्युएशन लॉस है तो लॉस माइनस होगा इनकी कैपिटल से फोर्टीन थाउजेंड को थ्री रिस्टू टू में डिवाइड कर लेंगे फोर्टीन थाउजेंड को थ्री रिस्टू टू में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एक्स के लिए सॉरी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एक्स के लिए और फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वाई के लिए ये क्या है लॉस ठीक है और जो रिजर्व दिया हुआ है जनरल रिजर्व ऐड हो जाएगा किस में डिवाइड करना है इसे भी ओल्ड में ट्वेंटी फोर थाउजेंड का को डिवाइड करना है थ्री रिस्टू टू में तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड का थ्री रिस्टू टू क्या हो जाएगा फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड और इसका आ जाएगा नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इसको सोल करेंगे इसमें से ये माइनस ये प्लस करेंगे तो यू गेट सिक्सटी सिक्स थाउजेंड और यहां से इसको सोल करेंगे 30 600, प्लस 9, 600, तो आ जाएगा अब मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर तो दोनों की कैपिटल को ऐड करेंगे दोनों की ऐड करके कितनी आ गई वन लाख टोटल कैपिटल क्या होगा दोनों पार्टनर जो कि ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल का सम डिवाइडेड बाय रिमेनिंग शेयर रिमेनिंग शेयर कितना है इसको करोगे क्या बन वन लैख इंटू फाइव बाय फोर ठीक है अब हमें किसका शेयर निकालना है हमें जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर निकालना है यानी जेड का शेयर निकालना है इस तरह से जो कैपिटल आएगी वो टोटल कैपिटल होगी और जेड का शेयर कितना है यहीं से कर दो इसको सोल्व करके बाद में वन फिफ्थ करने का कोई फायदा नहीं है यहीं से निकाल दो ये बना आपका टोटल कैपिटल और न्यू पार्टनर यानी कि जेट का शेयर है फाइव कैंसिल वन लाख को फोर से डिवाइड करोगे यू विल गेट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्लियर यहाँ पे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी क्लियर तो ये थे कुछ फाइव क्वेश्चन धीरे धीरे मैं लेक्चर की लेंथ बढ़ाती जाऊंगी अभी थोड़े छोटे छोटे लेक्चर रिकॉर्ड करें क्योंकि मेरे को भी ऑलमोस्ट वन ईयर का गैप हो गया है रिकॉर्डिंग किए हुए बिसाइड दिस अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम लेक्चर बनाएं वो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं सो so दैट मैं उन्हीं टॉपिकों के ऊपर आपके लिए लेक्चर लेके आऊँ थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर